लर्नर्स पॉइंट को आपण मानक स्वागत आज क्लास रे आमे आलोचना करिबा मेथड्स ऑफ टीचिंग ता संगे रे गोटे छोटिया कांसेप्ट हमरो रहिछि जोडा कि होछि माइक्रो टीचिंग रो कांसेप्ट जे विषय रे किछि प्रश्न आसी थाए ता संपर्क रे एवं नेक्स्ट आमे आलोचना करिबा टीचिंग एड्स संपर्क रे जोडा कि हमरो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम बोली सिलेबस रे दे दैछि तबे पूर्वरु आमे बहुत गुडा क्लास करिछन्ति टीचिंग एप्टिट्यूड रो जदि आपण माने से गुडी का देखि नांते तबे क्लास शेष रे मु सेही वीडियो गुडी कर लिंक दे देबे निश्चय देखंतु एवं अधिक किछि डिस्कशन करया पई चाहुतिले आम सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करंतु एवं NTAUGC नेट रो पेपर 1 एवं पेपर 2 उड़िया पई आम पाखरे पेड क्लासेस मध्य अवेलेबल अछि जदि आपण माने सेही क्लासेस अटेंड करया पई चाहुतांते तबे मध्ये मते टेलीग्राम रे निश्चय जणांतु तबे क्लास टी आमे आरंभ करिबा प्रथम रे आमे देखिबा मेथड्स ऑफ टीचिंग संपर्क करे तबे ए जो मेथड्स ऑफ टीचिंग कोन ना पिल्ला मानंकु बा मेथड्स ऑफ टीचिंग रे कोन हेथाय ना किछि जनरल प्रिंसिपल्स अछि जोडा कि मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन ओके तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन रो जो केतेटा मेथड रहिछि ता संपर्क रे ए मेथड्स ऑफ टीचिंग कहिथाय तो एथरे कोन हेथाय ना चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड डिपेंड्स अपॉन एजुकेशनल फिलोसॉफी क्लासरूम डेमोग्राफी सब्जेक्ट एरिया एंड ऑर्गेनाइजेशन मिशन तो मेथड्स ऑफ टीचिंग रे कौन होता है ना जो टीचिंग मेथड टा केमिति चॉइस कराई था केमिति चूज करा जाए था ना प्रथम तो एजुकेशनल फिलोसॉफी ऊपर ये चॉइस टा डिपेंड करी था नेक्स्ट रही था क्लासरूम डेमोग्राफी अर्थात गोटे क्लासरूम रे कितने नंबर ऑफ लर्नर पसु चुनती से डेमोग्राफी अकॉर्डिंग मेथड टा चूज करा जाए नेक्स्ट को सब्जेक्ट आम पढ़ेबा पई जाउ चुनती ता ऊपर डिपेंड करे कि आम को मेथड रे पढ़े परिवा एवं सेमिति ऑर्गेनाइजेशन गोटे लर्निंग वे टाक जो लर्निंग आउटकम अच्छे ऑर्गेनाइज्ड रखिया पाए को वे आम पढ़ेबा दरकार तापे हमें मेथड्स चूज करी थांती बा ता अनुजाय हमें मेथड्स चूज कर थांती हेले ए जो चॉइस टा काई अलग अलग आई थाए ए जो चारटा फैक्टर तो मानन को कहले ए चारटा फैक्टर को डिपेंड करे के कोन आई थाए हमरा चॉइस टा अलग अलग प्रकार रही थाए धर जदी मु साइंस रो गोटे चैप्टर तुमको पढ़ो छी किछ केमिकल रिएक्शन विषय रो पढ़ो छी एट जदी मु तुमको बसी के केवल लेक्चर मेथड रे पाठ पढ़ेबी ताहले तमाने से केमिकल जो रिएक्शन अछि बा केमिकल किछ विषय रे पढ़ो चंती हमें केमिकल साइंस विषय रे पढ़ो हमें से विषय रे तमाने बुझिबनी तापई हमको कोन हेबो ना गोटे लेबोरेटरी को जीवा पई पड़िबो आ सेटी प्रैक्टिकली से जिंस पढ़िया पई गा पड़िबो तो यही सब फैक्टर को नजर रखिकी आम टीचिंग रो मेथड चूज कर तबे ए जो टीचिंग मेथड टा दुई प्रकार रे आम ब्रॉडली डिवाइड कर गोटे हूँ कौन ना टीचर सेंटर्ड मेथड आउ गोटे हूँ लर्नर सेंटर्ड मेथड तो गोटे कौन होता है ना जो कि टीचर आम फोकस आउ गोटे जगार आउ गोटे मेथड रे कौन होता है ना लर्नर आम फोकस तो टीचर सेंटर्ड मेथड रे कौन होता है ना स्टूडेंट मैंने फोकस कर टीचर को उपरे अब ड्यूरिंग एक्टिविटीज स्टूडेंट माने कोन करथांते ना एलोन वर्किंग स्किल आ कोलैबोरेशन स्किल तांकर डिस्करेज करा जाय थाए अर्थ कोन टीचिंग टीचर सेंटर्ड मेथड रे स्टूडेंट मानंगर कोन जो एलोन वर्किंग अर्थ जो एका एका काम करिवार जो तांक पाखरे स्किल अछि सेई स्किल ता संगरे जो अन्य मानंगर संगरे मिसी की काम करिवा सेई स्किल को डिस्करेज करा जाय थाए तार कारण कौन जिते बेले के टीचर निज हिसाब रे पाठ पढ़े थांती सेते बेले गोटे स्टूडेंट केबे भी निजे निजे काम करियार स्किल निज भीतर डेवलप कराई पारे नी आ ताको डिस्करेज कराई थाए तो ए जो टीचर सेंटर्ड मेथड भीतर कौन कौन आए गोटे होची लेक्चर मेथड गोटे होची लेक्चर मेथड नेक्स्ट होची डेमोन्स्ट्रेशन मेथड तापर अच्छे बायोग्राफिकल मेथड फोर्थ होची हिस्ट्रिकल और बैंकिंग टीचिंग मेथड ता संगे अच्छे टीम टीचिंग एंड कोलाबरेटिंग टीचिंग मेथड हला लेक्चर मेथड अर्थ जमीती कि आम कलेज आ स्कूल मानकर देखती जो जे टीचर आसती पिला मान आगे ठिया हमें आउ जहाँ पाखे डाटा अच्छी इनफर्मेसन अच्छी से जिनस को आमको आईदा तो मेमोरी लेवल रो अंडरस्टैंडिंग लेवल रो बस कही गोटे लिनियर कम्युनिकेशन से था टीचर मैंने कही स्टूडेंट मैंने शुनी था सेमती डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रे कौन था गोटे टीचर जहाँ पढ़ेवा चाहते तार गोटे डेमो आम सामने प्रेजेंट कर बायोग्राफिकल मेथड रे कौन था ना गोटे जिनस गोटे टॉपिक रो हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन ठू आरंभ करी तार एनालिसिस पर्यंत सबकि टीचर कौन करम सामने प्रेजेंट कर कौन होता है ना टीचर ही सेंटर्ड होता है टीचर निज हिसाब से
पाठ पढ़ाई सेमती हिस्ट्रिकल और बैंकिंग मेथड बैंकिंग टीचिंग मेथड रे भी कौन है ना गोटे गोटे साइड ये कौन है निजे लर्न बा गिफ्टेड होता है आउ अन्य जन को सी निज पाखे जहाँ अच्छी नलेज से बस ट्रांसफर करिथाय एठी कोनोसी भी वे रे जणंग भीतर इंटरेक्शन हेई नथाय। नेक्स्ट आ गोटे छ टीम टीचिंग और कोलाबोरेटिव टीचिंग मेथड एथिरे कोन हेथाय ना वन टू मोर देन वन टीचर रेडी थांती से माने कोन सब्जेक्ट स्पेसिफाइड हेई थांती को सब्जेक्ट रे जणे स्पेशलिस्ट थाय आ गोटे को सब्जेक्ट रे अन्य जणे स्पेशलिस्ट थाय आ से माने कोलाबोरेट करिकि बा गोटे टीम तयारी करिकि गोटे स्पेसिफिक चैप्टर को पिलामानंगरे प्रेजेंट करिथांती तबे एगुडा गास थाय टीचर सेंटर्ड मेथड भितरे। ठीक अछि नेक्स्ट आमे देखिया लर्नर सेंटर्ड मेथड विषय रे एई मेथड रे कोन हेथाय ना फोकसटा टीचर मानंगो जाइकि लर्नर मानंगो बाखरे थाय। दिस मेथड इंक्लूड्स एक्टिव लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग इंडक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग तो ये कौन कहा ना एट लर्निंग रे जो लर्नर सेंटर मेथड रे कौन है ना एक्टिव लर्निंग एवं कोऑपरेटिव लर्निंग संगे इंडक्टिव लर्निंग आउ टीचिंग थाए। एक्टिव लर्निंग अर्थ कौन गोटे पिला कौन कर गोटे लर्नर कौन कर क्रियाशील थाए बस ये एक्टिवली से जो लर्निंग प्रोसेस से पार्टिसिपेट करता है सेमती कोऑपरेटिव लर्निंग कौन ना अन्य जन पिला सहित अन्य पिला मानंग सहित मिसिके से काम करथाय बा सिखी थाए सब जिनस। इन द अदर हैंड आम टीचर सेंटर रे देखिले कौन पिलामानंगर ए जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल डागु डिस्करेज करा जाय थाय सीधी बट लर्नर सेंटर्ड मेथड रे कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल को एनकरेज कराय थाय। ता संगे एठी इंडक्टिव लर्निंग टीचिंग हि थाय इंडक्टिव अर्थ कौन ना आम जो सेन्स ऑर्गन्स अछि ता माध्यम रे आम सीखी था जमीन कि धर आम कि गोटे जिनस टेस्ट जो जानापी चाहते टीचर सेंटर्ड मेथड रे कौन है से जिन धर कि आम चीनी विषय जानापी चाहते चीनी टेस्ट विषय जानूंट टीचर सेंटर्ड मेथड रे कौन हम ना टीचर तुम सामने ठिया है बस चीनी संपर्क में डिस्क्राइब करदे आहे चीनी टेस्ट हूँ मीठा बट जिते आम लर्नर सेंटर्ड मेथड रे देखा से कौन आमको इंडक्टिव लर्निंग दि जाए जहाद्वारा कि कौन आम सामने किसी चीनी रखा जाए लर्नर से ही चीनी को देखे तार सेप कौन तार कलर कौन सब जिन जाने सांगे सी आखि तो देखे ये भी गोटे इंद्रिय गोटे सेन्स अर्गान यूज है से कौन कर गोटे चीनी दाना नहीं पटे पकाए तार टेस्ट कौन तार टेस्टिंग अर्गान द्वारा से नलेज टा पाए यू क्या इंडक्टिव लर्निंग आउ ए लर्निंग लर्नर सेंटर्ड मेथड रे तो ए मेथड रे ए जो लर्नर सेंटर्ड मेथड रे किछटा लर्निंग मेथड रही जहाँ भितर रही गोटे हूँ लैबोरेटरी मेथड जमीन मुझे तुमको किसी केमिकल साइंस विषय कहली पढ़ला बेले हूँ कंप्यूटर साइंस पढ़ुंट ए सब गुड़ाक गोटे लैब को निजाए आमको पाठ पढ़ा जाए सेमती प्रोजेक्ट मेथड अर्थ पिला किसी नुआ नुआ प्रोजेक्ट उपर काम करने दि जाए आई प्रोजेक्ट रे काम करू करू पिला सीखी था सेमती ही असाइनमेंट्स दि जाए किसी डिस्कसन कराए जहाद्वारा कि कौन पिलाने डिस्कसन करू करू कि नुआ नुआ जिनस सीखी था सेमती गोटे अच्छे ब्रेन स्टर्मिंग मेथड ये ब्रेन स्टर्मिंग मेथड कौन ब्रेन स्टर्मिंग मेथड अर्थ गोटे टीचर कौन करती जिते लर्नर मान को फोकस कर पाठ पढ़ाई से कौन कर हटात से पिला गोटे क्वेश्चन रखि था आ पा कौन बहुत किसी भावी समय दिखे से माइंड रही कनसेप्ट क्वेश्चन शुणु शुणु जहाँ भी आंसर आसपाई था अर्थ ये ब्रेन स्टर्मिंग अर्थ ब्रेन भितर तुम गोटे क्वेश्चन शुणु शुणु ब्रेन भितर जो झड़ तुम क्रिएट हो जाए ब्रेन स्टर्मिंग मेथड भितर निया। नेक्स्ट हूँ सेमिनार मेथड ये सेमिनार रे भी पिला कौन कराई था गोटे स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाए था आ संपर्क में किसी डाटा कलेक्ट करने संपर्क में निजर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने कई है सेगुड़ा को लेकिन अन्य आगे से डाटा से अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करमिनार मेथड आए भी गोटे लर्नर सेंटर्ड मेथड भितर आसी था। नेक्स्ट आम देखा आउ गोटे कनसेप्ट संपर्क में जोटा कि हूँ गोटे माइक्रो टीचिंग कनसेप्ट ये माइक्रो टीचिंग रे कौन है ना माइक्रो टीचिंग टा कौन गोटे टीचर ट्रेनिंग टेक्निक अर्थ एटा टीचर मानक ट्रेनिंग ए टेक्निक यूज कराए आटा को डेभलप किए करते ना ड्विट डब्ल्यू एल एन आर डेभलपर एति तुम मैंने मन रख तेब माइक्रो टीचिंग कौन ना जो टीचर मानक किसी स्पेसिफिक बिहेवियर किसी स्पेसिफिक स्किल्स शिखापी गोटे छोट छोट समय
ट्यूटोरियल बा ट्रेनिंग बा वर्कशॉप रे सेमानको सिखा जाय थाय। धर तमनक भितर जदि के बीएड करिछो तमन देखिथिबो जो कुटो छोट छोट 5-6 मिनट रा सेशन भितर तमनक गुडे स्पेसिफिक स्किल को यूज करि किछि जिंस प्रेजेंट करया पई कोआ जाय। ता संगे तमरो ऑब्जर्वर थांती, तम सामने रे स्टूडेंट्स थांती आ सेमान ऑब्जर्व को करिले ता संपर्क रे तमगु फीडबैक्स दियंती। एटा को ही हमर माइक्रो टीचिंग रो कांसेप्ट बोली कुआ हिची। एथिरे कोन हिची ना ए स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर्ड इन क्लास साइज एंड टाइम। तो आकु कोन करा जाए ना क्लास साइज आउ टाइम हिसाब रे स्केल करा जाय थाए। तापर कोन हिची ना इट ट्रेन्स टीचिंग बिहेवियर एंड स्किल इन स्मॉल ग्रुप सेटिंग एडेड बाय वीडियो रिकॉर्डिंग्स। ठीक अछि, तबे ए जो माइक्रो टीचिंग रहिची यार किछि स्टेप्स अछि। तो प्रथम रे एरो स्टेप टा कोन ना प्लानिंग, नेक्स्ट आस्थाय टीचिंग, तापर आसे फीडबैक, नेक्स्ट तापर पुनी रीप्लान हे थाए, री टीचिंग हुए एवं री फीडबैक मिली थाए। तो गोटे स्किल जो स्किल तुमको सिखा जाउची से स्किल ला तमे कंप्लीटली अक्वायर कला जाय ए प्लान डा गोटे साइक्लिक प्रोसेस रे चली थाए। प्रथमे प्लान, तापरे टीच, तापरे फीडबैक, तापरे री प्लान, तापरे री टीच, तापरे री फीडबैक। एमिति प्रोसेस रे ए पूरा टीचिंग प्लान डा बा ए माइक्रो टीचिंग रो जो टीचिंग टा सेटा चली थाए। तो एगुडा होची कोन हमरा माइक्रो टीचिंग रो गोटे कनसेप्ट। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग रो किछि प्रिंसिपल्स रहिछि जेमिदिकि एको कहा जाए ए रियल टीचिंग प्रोसेस बोली कहा जाय थाए। ता संगरे इट एम्फसाइजेस ओनली ऑन अटेनिंग वन स्किल एट वन टाइम। तो ए जो माइक्रो टीचिंग रे गोटे टाइम रे गोटे स्किल संपर्क रही हमगु सिखा जाय थाए। ता संगरे द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज कैन बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट होची इट डेवलप्स द इफेक्टिवनेस ऑफ फीडबैक। तो या संपर्क रे बेसी हमगु प्रश्न आसीबोनी बट केबे केबे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग नारे किछ प्रश्न आसी पारे। तो आउ ए जो लाइन गुडा दिया छै एमिते डायरेक्टली तो तमगु आसीबोनी किंतु मीनिंग ए समान ही करथिबो तेनु टिके बुझियार चेष्टा करबो ए लाइन गुडा रे कोन लेखाइ छै। त सी गला हमर माइक्रो टीचिंग रो गोटे छोट कनसेप्ट। एबे आमे देखिबा टाइप्स ऑफ लर्नर विषय रे। पूर्वरु आमे टाइप्स ऑफ लर्नर भितर आउ गोटे टाइप रो लर्निंग लर्नर टाइप्स पढ़ीथिले बा आउ गोटे लर्नर मानंगर टाइप्स पढ़ीथिले सेटा कोन जदि तमनंगर मने अछि तबे मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणैबो। तबे एबे आमे आउ गोटे टाइप रो लर्नर मानंगर विषय रे पढ़िबा। तो जोटा कि लर्निंग फील्ड को व्यवहार करी बा लर्निंग फील्ड को बेस करिकि ए डिवाइड टा बा ए डिविजन टा करा हिची। तो एगुडा कोन ना प्रथम रे आमे देखिया गोटे फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, नेक्स्ट होची फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। तबे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन प्रथम रे हम जानिया ई फील्ड डा कौन गोटे लर्नर रो फील्ड कौन लर्नर को तार लर्निंग फील्ड संपर्क रे एडी कुआ होची हला। तो लर्नर रो लर्निंग फील्ड गुडा जोडी की गोटे टीचर थिबे ता संगे रे टीचर मानन को पाखरे बा टीचर को पाखरे किछि मटेरियल थिबो गोटे प्रॉपर क्लासरूम थिबो सेई क्लासरूम रे टीचर पाठ पढौ थिबे आउ लर्नर किसी नॉलेज अक्वायर करथिबो। तबे एटा होची लर्नर रो लर्निंग फील्ड। से फील्ड आधार रे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लर्नर को डिविजन कराइजी। जो लर्नर से फील्ड ऊपर डिपेंड करी की पाठ पढ़िथाय ताकु कह जाय फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। जो लर्नर से फील्ड को डिपेंड न करी की पाठ पढ़िथाय से माने होचोंदी फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। एबे देखो तमानंग ग्रुप भीतर भी केछि पिला एमे थिबे जो माने क्लासरूम रे बसिबे ता परे जाईगी पाठ पढ़ी पारे बट किछि पिला एमिति भी थिबे जो माने निजे निजे लाइब्रेरी जानती तांको पई को टॉपिक पढ़िबार अछि ता पई को बुक भलो से बुक बाहर करंती आ से माने निजे निजे नोट्स तैयार करंती निजे निजे बुझिबार चेष्टा करंती। तो ए जो दीटा कैटेगरी देखिलो जो माने क्लासरूम रे जाय बसंती से माने होचंती फील्ड डिपेंडेंट लर्नर आ जो माने क्लासरूम बिना पाठ पढ़ी पारंती से माने होचंती कोन फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। तो नेक्स्ट आमे देखिबा टीचिंग एड्स संपर्क रे। तबे टीचिंग एड्स कौन प्रथमतः एड्स अर्थ आम जानते जो गुड़ा कि आम कि कम कर इक्विपमेंट गुड़ाक जो गुड़ा कि आम ऑब्जेक्टिव को पाइबार हेल्प करीचिंग जो इक्विपमेंट आमको हेल्प करती आम टीचिंग एड्स कहवा। तो ये कौन लिखाई देख टीचिंग एड्स आर द इक्विपमेंट्स दैट अवेलेबल इन क्लासरूम टू मेक द टीचिंग एंड ट्रेनिंग इफेक्टिव। अर्थ टीचिंग बा ट्रेनिंग को प्रभावशाली करिया पई हमगु जो इक्विपमेंट गुडा को कोन क्लासरूम भितरे हेल्प करथंती सेमन गु आमे कोहंते टीचिंग एड्स। धर अबे क्लासरूम मानन करे आमे जतले ज्योग्राफी पढौ चंती आमे किछ मैप देखौ चंती गोटे ग्लोब्स नेकी देखौ चंती बा किछ मॉडल्स देखौ चंती अर्थ रो ए सब कोन ए सब होचे हमरा टीचिंग एड्स। त ए जो टीचिंग एड्स रो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अछि
गोटे होची विजुअल एड, गोटे होची ऑडियो एड्स, आउ गोटे होची ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये जो ऑडियो विजुअल एड्स भीतर कोगुडा का से जो एड्स को आमे केवल देखै थांती बा आमे केवल देखि के सिखि थांती ताको आमे कहबा कोन विजुअल एड्स। जेमिति कि मु तुमको मैप ग्लोब्स विषय रे कहली। ऑडियो एड्स कोन धर मु तमनको को गोटे पशु बा पक्षीर शब्द संपर्क रे पाठ पठौची ठीक अछि। बा मु जते बेले तुमको किछि अर्थ रो भूमिकंप विषय रे अर्थ जो भूमिकंप आछ अर्थ रे ता विषय पढ़ोजी। तो से जो भूमिकंप आसले केमिति वाइब्रेशन हुए बा केमिति साउंड टा क्रिएट हुए ए सब विषय देखौची। तो ए सब बुझै पई हेले तुमको मु किछि ऑडियो एड्स जेमि मु तुमको कहली जे हां मु धर तुमको काउ रो रैपी बडा शिखे चाहूँगी बा काउ केमिति रहे ता विषय रे जणाय पई चाहूँगी। तो सेटा कौन करे आइदर तो मु निजे काउ रो शब्द बाहर करिवे नै तो तार किछु गोटे साउंड रो रेकॉर्डिंग कौन करिवे तमनक आगर प्रेजेंट करिवे सेटा हबो कोन ऑडियो एड्स। तो ऑडियो एड्स माने जोटा कि आमको सुनी कि आम शिखि था सीटा हूँ आम ऑडियो एड्स। से ऑडियो विजुअल कौन जो थी कि आमको किसी थ्री डी मॉडल किसी वीडियो ये सब जिन देखा जाए ताको आम कही ऑडियो विजुअल एड्स। तो टीचिंग एड्स को ये तीन टा प्रकार रे डिवाइड करा जाए थाए। तबे एडा थिला आजर हमर क्लास। नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिया इवोल्यूशन सिस्टम ता संगे रे आमे देखिबा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो हमर इवोल्यूशन पई व्यवहार होउची स्केल्स से संपर्क रे देखिबा। नेक्स्ट आमे जो टेस्ट संपर्क रे देखिबा ता संगे हमर क्वेश्चन रो टाइप्स विषय रे मध्ये देखिबा। तबे आजर क्लास टी एठी रखि आमे क्लास टी किपर लगला मत कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे एवं भल लागिले चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं वीडियो टी को निश्चय लाइक करिवे। शेष पर्यंत वीडियो टी देखथिबारु आपण मानक धन्यवाद।